हाय ऑल, वेलकम टू कप्लीफाई। सो आज का ब्लॉग थोड़ा टेक्निकल साइड पे है, बिकॉज आज की वीडियो में विल बी अनबॉक्सिंग iPhone 12 Pro। सो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक इस वीडियो के स्पॉन्सर जो कि हैं, सो थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स हेड टू अनबॉक्सिंग। आराम से, टाडा। ये हम दूसरी तीसरी बार खोल रहे हैं। चलो दिखाओ अपने शुभ हाथों से। तो ये मैं उतार दूंगा। Yeah. Oh, it feels so good. और क्या क्या है साथ में? और इस बॉक्स में जैसे कि पता है इस साल तो कुछ खास मिला नहीं है। Lightning to USB Type-C cable. So, इसमें SIM ejector and some manuals हैं। इसको यहाँ पर रख लेते हैं। So, that's all what's in the box. मतलब यार, charger तो दे ही देना चाहिए। Headphones दे देते यार, headphones, charger छोड़ो। हाँ, headphones तो देने चाहिए। सो अब आते हैं इस फोन के प्लस पॉइंट्स पे, जो कि फर्स्ट है इसका बैटरी। और ये फोन हमारे पास रहा है फॉर ओवर अ वीक एंड इसको हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, स्पेशली इसके कैमरास वाइल्ड शूटिंग इन 4K स्लोमो और इसके नॉर्मल फोटोग्राफी भी। एंड इट प्रोवाइडेड अस अराउंड 5 to 6 hours ऑफ बैटरी बैकअप, विच इज़ प्रीटी गुड। तो एप्पल ने इस बारी अपना जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन था आईफोन्स का, लाइक आईफोन 10 में, 11 में या फिर अक्षय के आईफोन 6s को ले लो, तो उसमें पहले राउंड एजेस प्रोवाइड करते थे और अब वो लोग फ्लैट एजेस देने लगे हैं। सो इससे बेसिकली क्या है कि बेटर व्हाट वी से बेटर होल्डिंग ग्रिप, या सो बेटर ग्रिप होती है और या इजी टू यूज़ है, बट ग्रिप कितनी भी बेटर हो नए फोन में तो डर ही लगता है। ठीक रखा है? बेटर। अब आते हैं इसके मेजर फीचर पे, जो कि हमें एज ए ब्लॉगर काफ़ी अट्रैक्ट किया, जो कि है इसके कैमरास। अब इसके रियर पे 3 कैमरास माउंटेड हैं, जो कि हैं वाइड, अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटोज। एंड तीनों कैमरास में कैपेबिलिटी है फॉर नाइट मोड, जिससे आप अमेजिंग फोटोज ले सकते हैं इवन एट द नाइट विदाउट यूजिंग अ फ्लैश। नाइट मोड टेस्ट करने के लिए हमने रूम की सारी लाइट्स बंद कर रखी हैं, बट इवन आफ्टर कंप्लीट डार्कनेस हमारा फाइनल रिजल्ट ये है। और इसके साथ साथ इसके फ्रंट कैमरा पे भी दे आल्सो प्रोवाइड नाउ पोर्ट्रेट मोड फंक्शनैलिटी, तो आप अपनी सेल्फी भी पोर्ट्रेट मोड में क्लिक कर सकते हैं ऐसे। तो एप्पल ने फर्स्ट टाइम अपने फोन के लिए यूज करी है सेरेमिक शील्ड। जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब है फ़ोन ज़्यादा चलेगा, लंबा चलेगा और हम बिना फिक्र के यूज़ कर सकते हैं। right. तो अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इसको टेस्ट कर ले फिर, तो मतलब हम ऐसा रख सकते हैं ना? क्या, अरे यार वो खुद कह रहे हैं लंबा चलेगा। तो हम नहीं टेस्ट करेंगे, तो कौन टेस्ट करेगा? बाकी टेस्ट करेंगे। क्यूसी टेस्ट करेगी? हमने तो ले लिया, हम नॉर्मल यूसेज है, हमारी हैवी यूसेज है। हम तो डेवलपर है, हम तो चाहते हैं भाई चीज सही चले। क्यूसी टेस्ट करेगी। सो अब आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे, जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर आईफोन 12 मॉडल्स या फिर जो पिछले साल का आईफोन 11 था उससे, और वो फीचर है इसका लाइडार सेंसर। और ये लाइडार सेंसर मेनली यूज होता है फॉर AR, विच इज ऑगमेंटेड रियलिटी। और ये आपको हेल्प करेगा बेटर पोर्ट्रेट शॉट्स लेने में या फिर आपकी वीडियो की डेप्थ एनालिसिस में, और भी काफ़ी एप्लीकेशंस में ये फीचर प्रोवाइडेड है।
ऑल्दो ये काफी इनिशियल स्टेज पे है बट इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर दिस फोन. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, वी विल बी हैप्पी टू आंसर. प्लीज कमेंट देम इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज प्लीज बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा. सब्सक्राइब का बटन इज राइट देयर, प्लीज क्लिक ऑन इट और हिट द सब्सक्राइब बटन. और थैंक यू एंड कीप वॉचिंग कपलिंग फायर.